छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार की दोपहर राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर स्थगन लाया था, फिर भी कानून व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं आया। श्री बघेल ने यह भी कहा कि प्रदेश में आदिवासियों की गिरफ्तारी की जा रही है, मंत्रियों के परिजनों का वीडियो वायरल हो रहा है, रेत शराब माफिया को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच झगड़ा भी चल रहा है, बीजेपी नेताओं को ही पीट दिया जा रहा है, हमारे काफिले को रोककर गुंडागर्दी की गई, एसपी और थानेदार भी गुंडों से डरते हैं। श्री बघेल ने यह भी कहा कि भिलाई के स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में एसपी ने कह तक डाला कि जांच हो गई और मामला दबा दिया गया। पास्को के अंतर्गत सबसे पहले FIR दर्ज करनी होती है, उसके बाद जाँच होती है, FIR ही दर्ज नहीं की गई। मेडिकल रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में जख्म की पुष्टि भी हुई है। मामला सरकार की जानकारी में है, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस मामले में विधानसभा में भी हम लोगों ने 2 दिन तक के स्थगन लाया था, उसके बाद भी लगातार स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक तरफ आदिवासियों को नक्सली बता के इनकाउंटर किया जा रहा है, तो दूसरे तरफ मंत्री के जेठ कि किस प्रकार से दादागिरी हो रही है, पूरे सारे सोशल मीडिया में आप सब देख रहे हैं, मीडिया में भी वो बात आ रही है। तीसरे तरफ आप रायगढ़ में देख लिए कि एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, हमारे प्रतिनिधि मंडल वहां जाते हैं, उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता। तो वहीं जो रेत माफिया है, शराब माफिया है, अब तो राजनांदगांव में अवैध शराब के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो वहीं रायपुर से नजदीक ग्राम दोंदे में शराब माफिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी पीटा गया, वो न्याय के गुहार लगाने के लिए अनेक जगह गए और नहीं कहीं उसे उम्मीद आश्वासन नहीं मिला, उन्होंने आत्मकर ली। संतोष पटेल नाम का व्यक्ति आज उसका दसगात है, आज या कल है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे दुर्ग जिले में किस प्रकार से मुझे जेट सुरक्षा प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बजरंग दल के गुंडे बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के मुझे रास्ता रोक लेते हैं। मतलब उनकी दुस्साहस इतनी बढ़ गई, हम किसी भी रोक सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एसपी और थानेदार भी उन गुंडों से डरते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, राजधानी में है कितने चाकूबाजी हो रही है, गोली चल रही है, इसके बारे में आप सबको पता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय, आज से लगभग 2 महीना पहले डीपीएस में, डीपीएस भिलाई, डीपीएस कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये स्कूल भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के द्वारा संचालित है, पूरा इसका मैनेजमेंट भिलाई स्टील प्लांट की देखरेख में होता है। इसके जो चेयरमैन है वो भिलाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी वो उसके हैं और भिलाई के जो प्रमुख आला अफसर उसके सदस्य हैं। सीबीएसई कोर्स है और सीबीएसई कोर्स जहां संचालित है तो वहां ऐसे किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता या उसे एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता उम्र होने के बाद, यदि वो नेशनल अवार्डी ना हो। लेकिन वहां जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंशन दिया गया है भिलाई मैनेजमेंट के द्वारा बिना कोई राहता के दिया गया है, मिस्टर प्रशांत वशिष्ठ उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है। वहां की घटना है, वैसे कई बार वहां उस डीपीएस स्कूल में अनेक
घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी उस घटना में ये 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि उस लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है, ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब बात, चूंकि एसपी के 2 बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया। और इस प्रकार की जो घटना है, घटना के मैं सोशल मीडिया के साथियों को और प्रिंट मीडिया के साथियों ने इसे लगातार उठाया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब ये सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी एसपी दुर्ग के संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। इसका मतलब यह है, कौन ऐसा पालक होगा जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुराचार हो और वो जो अन्यायी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो दबाव में है। इसमें जो आवेदक है वो आवेदन करे या न करे, यदि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में बात आ गई तो सो मोटो उसको एफआईआर लेना था, और बिना एफआईआर के जांच कैसे हो गई। और न केवल पुलिस अधीक्षक के, पुलिस अधीक्षक ने पालक के हिसाब से भी कहा और उसके बाद पुलिस कार्यालय में भी पालकों की बैठक हुई और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। जो मीडिया में दुष्प्रचार किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो एक अधिकारी, महिला अधिकारी, जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करने की बात कही थी, उसे भी दंडित करने की बात उस बैठक में कहा गया। ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली है, वो सारी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। सोशल मीडिया में जितने भी चर्चा हुआ ये सब जानकारी है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये मामला शासन के भी जानकारी में आ चुका है। महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ज्ञापन देते हैं, उसकी कॉपी भी हमारे पास है कि उसको दिखाया जाता है, दिया जा रहा है। मतलब सरकार के भी जानकारी में, जब एक मंत्री की जानकारी में आ गया तो इसका मतलब यह है कि सरकार के भी जानकारी में है। जब इतने महत्वपूर्ण जो घटना घटी उसके बावजूद भी ये वो कॉपी है, लक्ष्मी राजवाड़ी जी की, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी को जो ज्ञापन दिया गया वो कॉपी है। और जो उसके बाद उसमें जो सोशल मीडिया में है, जो एसपी के द्वारा जितने भी चैट किया गया जो पालकों के साथ, वो कॉपी भी है, सुशील आनंद जी शुक्ला के पास है। और दूसरी बात यह है कि इसे 2 डॉक्टरों ने जांच की और दोनों फाइंडिंग एक है, तो सवाल इस बात का है, ये कॉपी अपने पास है, दोनों कॉपी, लेकिन जब इतनी बात हो गई है तो
डॉक्टरों के पैनल बना के इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, मेडिकल बोर्ड से जांच क्यों नहीं कराया गया, और एसपी खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया। कभी एसपी पालक बन जाता है, कभी वो अधीक्षक बन जाते हैं, और कभी वो जज भी बन जाते हैं, उन्होंने फैसला भी दे दिया। और चूंकि शासन के नॉलेज में भी आ चुका है, ये 8 अगस्त की चिट्ठी महिला विकास मंत्री को दिया गया, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी के पास भी कॉपी दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है, उसके बाद भी इसे दबा दिया गया है, जबकि